हिसार जिले के गांव में नगथला गांव में एक परिवार के चार पशुपालकों का पिछले 48 घंटों में 35 पशुओं के मरने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पशुओं के मरने से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। नगथला गांव में पशुपालकों की 35 दुधारू भैंसें मर चुकी हैं। पशुओं के मरने का मामला थम नहीं रहा है। इससे दुधारू पशुओं के मरने से एक ही परिवार के पशुपालकों का लगभग 35 लाख रुपयों से अधिक का नुकसान हो चुका है और 2.5 लाख रुपयों की दवाइयां दी जा चुकी है, परंतु स्थिति ज्यों की तो बनी हुई है। लगातार पशु मर रहे हैं, पशु चिकित्सकों द्वारा दी गई दवाइयां कोई असर नहीं कर रही हैं। इस तरह का मामला हिसार जिले में देखने को आया है। ऐसे में चिंताएं काफी बढ़ रही हैं। पशुपालकों का आरोप है कि लुवास के चिकित्सकों को सूचित कर दिया, परंतु टीम लेट पहुंची। इस मामले को लेकर पशुपालन विभाग की टीम और लुवास की टीम ने गांव में पशुओं का इलाज शुरू किया है। इसके बावजूद भी लगातार पशु मर रहे हैं, स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। यहां आपको बताते चले कि यह बीमारी भैंसों में आई है, ऐसा यह पहली बार हुआ है। वहीं मृत पशुओं का पोस्टमार्टम किया गया है और टीम ने मौके पर कई तरह के सैंपल भी लिए हैं। सैंपलों की रिपोर्ट 3 दिन के बाद आने की संभावना है। फिलहाल पशुपालकों के पशु लगातार मर रहे हैं। रणबीर ने कहा कि प्रशासन के उनका पूरा सहयोग करना चाहिए। पशुपालकों की हरियाणा के मुख्यमंत्री व जिला प्रशासन से मांग है कि जो पशु मर चुके हैं उन्हें सरकार से उचित मुआवजा मिलना चाहिए। यहां आपको बता दें कि बलबीर, रणबीर, दिनेश, सरजीत चारों सगे भाई हैं। चारों गांव में पशुपालन का काम करते हैं। उनके घर में 110 पशु हैं। वहीं पशुओं के लगातार मरने के सिलसिले में गांव में दहशत का माहौल है। इसमें जी कल इसका ओनर का फोन आया था, परसों रात को इसकी 3 कैजुअल्टी होगी, 3 भैंस की रात को। तो कल पूरे स्टाफ को भेजा मैंने दिन में, तो पूरे दिन ट्रीटमेंट चला रहे थे इसका। शाम को फिर डीडी साहब से बात हुई तो पूरी टीम भेजी उन्होंने, 3 डॉक्टरों की टीम आई थी। हम रात को 12 बजे तक गए थे, तो जो दिक्कत लगी उस हिसाब से हमने इलाज किया और इसका पता के भी गए। उस टाइम दिन का इलाज किया, उनका रिस्पॉन्स भी आया, कुछ ठीक भी हुए थे। पर सुबह तक देखा और दिक्कत आ गई, 3-4 पशुओं में उनकी और कैजुअल्टी हुई। तो सुबह फिर यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने भी अपनी टीम भेज दिया है। उस टीम में आए 4-5 डॉक्टर आए हैं, तो उन्होंने आगे पूरा सर्वे किया, हर चीज़ का, फीड के सैंपल लिए हैं, हर तरह के फीड के, ब्लड के सैंपल, नेजल स्वैब के, रेक्टम से भी। तो वो तो अभी जाके टेस्ट करेंगे, 2-3 दिन में शायद उनकी रिपोर्ट आ जाए। और 2 पशुओं के पोस्टमार्टम करके ले गए हैं, वो उनके सबके सैंपल लिए हैं, तो 2 दिन उनके भी रिपोर्ट आ जाएगी, 2 दिन में कल्चर की। तो एग्जैक्ट तो उसके बाद बताएंगे, लेकिन जो मोटा मोटी सिम्टम वगैरह वो लगे थे उसके हिसाब से मैं ट्रीटमेंट सारे डॉक्टरों ने बैठ के प्रिस्क्राइब किया, लिखी है, वो चला रहे हैं हम सुबह से ही और दिन से अभी वो चल रहा है। तो कुछ में फ़र्क है, लेकिन ये दिक्कत है अभी तो उनके भी इतने समझ में नहीं आई, यूनिवर्सिटी वालों की भी। तो देखो एग्जैक्ट तो सब टेस्ट होने के बाद पता चलेगा। पशुओं में बुखार, तेज जकड़न, इस तरह की समस्या आई थी स्टार्टिंग में। तो डॉक्टर साहब को बुलाए हैं, VLDA हैं जो सुनील कुमार, इन्होंने ट्रीटमेंट दे दिया। डॉक्टर VS से भी बात करी, शुरू में गाय को तकलीफ हुई थी, उसके बाद दूसरी गाय में आई, फिर 10-12 भैंसा में आई, फिर 3 दिन ट्रीटमेंट चलते रहे, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स सब मिला। उसके बाद फिर जो है मैस इन्फेक्टेड ज़्यादा होगी, कहीं और भी और डैमेज होने लगी, डैमेज 3 से 21 डंगर होती है। टीम भी बहुत लेट पहुंची है जी, पहली बात तो ये। फिर उन्होंने तो अपने सिस्टम से ब्लड सैंपल वगैरह लिए हैं, एक बार सैंपल सुबह भेजे थे, वो वापसी भेज दिए, फिर दोबारा लिए हैं, पोस्टमार्टम वगैरह भी करी है 2-3 डंगरों में। अजय तक कोई उनका रिस्पॉन्स तो आया नहीं, रिपोर्ट आने के बाद ही बताएंगे कुछ चीज़ें। ऐसा पहली बार ही हुआ है जी, पहले नहीं देखा मैंने तो कभी ऐसा सिस्टम। खाने में तो वही चल रहा है फीड ही, एक नया फीड आया टिवाना जो, वो बीच में एक एक बैग डाले 50-50 किलो का, जिसमें कोई इन्फेक्टेड है तो पता नहीं, कोई सिस्टम पॉइजनिंग है। तो 108-109 पशु फिलहाल थे जी, जिनमें से 20-21 पशु डालिए। तो अधिकारियों से क्या मांग है?
अधिकारियों से तो मांग, पहली बात तो ये पशु जो कैजुअल्टी बढ़ती जान लग रही, ये रुके। बाकी फिर सरकार से तो अपील है ही, इतनी बड़ी ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.